वेलकम बैक डियर स्टूडेंट. ओके, आई एम रविंद. जीएससी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है. ओके, सो बच्चों, वी हैव स्टडी जस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट. तो आपका नेक्स्ट पार्ट है, कुछ पार्ट बचे हुए थे आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट में. ठीक है, अर्लियर वी हैव स्टडी, ठीक है, प्रेशराइज वाटर रिएक्टर एंड बॉइलिंग वाटर रिएक्टर. ओके, सो इन दिस प्रेशराइज एंड बॉइलिंग वाटर रिएक्टर वी हैव सीन दैट, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज बिटवीन द प्रेशराइज एंड वाटर बेस्ड रिएक्टर. बच्चों उसमें हम लोग देखा था कि एफिशिएंसी की बात करता था, एफिशिएंसी की बात करता हूँ तो उसमें अगर मैं बात करता हूँ उस प्लांट में, ठीक है, तो क्या होती थी एफिशिएंसी. ठीक है, आपका प्रेशराइज वाटर रिएक्टर और बॉइलिंग वाटर रिएक्टर का दोनों कंपेयर करता हूँ तो आपका बॉइलिंग वाटर रिएक्टर की एफिशिएंसी ज़्यादा होती थी. ठीक है, और बॉइलिंग वाटर रिएक्टर का एज ए ट्रिपल फंक्शन पे यूज करते थे हम लोग, ट्रिपल फंक्शन को यूज करते थे. ठीक है, वाटर को मॉडरेटर, कूलेंट एंड एक रेक्टिफायर देते थे हम लोग, रिफ्लेक्टर की तरह यूज करते थे. ओके, तो इसे ट्रिपल फंक्शन पे बॉइलिंग वाटर रिएक्टर था, एफिशिएंसी ज़्यादा थी. और उसकी मैं बात करूँगा मास वगैरह क्या था उसकी, और भी हैंडल कैपेसिटी अच्छी थी. ठीक है, इंडिया का फर्स्ट न्यूक्लियर प्लांट जो भी लगा था आपका, तारापुर में लगा था, वो था किस बेस पे था आपका, ठीक है, बॉइलिंग वाटर रिएक्टर पे था. ठीक है, किस बेस पे था, बॉइलिंग वाटर रिएक्टर पे था. सो अब हम क्या करते हैं बच्चों, वो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में, उसके आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं, अब आगे हम लोग क्या देखते हैं. ठीक है, यह था आपका, अगर मैं बेसिक बता देता हूँ इस क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले, स्लाइड को स्टार्ट करने से पहले, बेसिक क्या था आपका. ठीक है, कैसे आपका पावर प्लांट वर्क करता था, इस आप फिगर से देख रहे हो, ये कोर है, यहाँ पे आपका फ्यू रखते थे, यूरेनियम 235, प्लूटोनियम 239. ठीक है, उसके बाद इसका फ्यूजन कराते थे, कंट्रोलिंग राड लगाते थे, इसके बाद इसमें क्या हीट लाट आप एनर्जी जनरेट होती थी, ये एनर्जी क्या कॉन्टेक्ट किससे आती थी, वाटर यहाँ पे है, वाटर से स्टीम जनरेट करते थे, ये स्टीम कहाँ प्रोवाइड करते थे हम लोग, ये स्टीम टर्बाइन पे प्रोवाइड करते थे. ओके, टर्बाइन पे स्टीम एक्सपेंड करती थी, एक्सपेंड करने पे के बाद अगर बोलूँ इसमें मॉलिक्यूलर क्या होता है, मोमेंटम ट्रांसफर होते थे, इसके कारण टॉर्क जनरेट होते थे, टॉर्क जनरेट होने के कारण ये शाफ्ट रोटेट करता था, जो जनरेटर इसको यानी शाफ्ट जनरेटर इलेक्ट्रिक जनरेटर कनेक्ट होता है और यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं और उसको क्या करते हैं बेटा, सप्लाई करते थे. उसके बाद बची हुई स्टीम क्या करते थे, कंडेंसर में लाते थे. ठीक है, इस कंडेंसर में उस स्टीम को वाटर में कन्वर्ट किया जाता था, किससे के साथ, किसके हेल्प के साथ. ठीक है, ये वाटर कूलर किया गया आपका. ठीक है, कूलिंग टावर के. ठीक है, क्या है कूलिंग टावर बेटा, कूलिंग टावर ओके, कूलिंग टावर तो कूलिंग टावर से हम क्या करते थे वहां पर. ओके, तो कराते थे हम लोग, तो कूलिंग टावर से हम लोग देखते थे बेटा वहां पर. ओके, कूलिंग टावर से हम देखते थे बेटा यहां पर, यहां पे क्या सप्लाई होती थी, यानी वाटर सर्कुलेट होती थी, वाटर सर्कुलेट होती थी हमारे पर. ठीक है, यहां से वाटर सर्कुलेट हो रही है. अब ये वाटर स्टीम के कांटेक्ट में आती थी, स्टीम के कांटेक्ट में आती तो ये क्या करता था, ये स्टीम किस में कन्वर्ट था, वाटर में. यहाँ से फीड पंप वाटर लगाते थे, फीड पंप के कहाँ स्टीम जनरेटर में हम लोग कहाँ भेजते थे, स्टीम जनरेटर में. सॉरी. ओके, इस तरह से हमारा टर्बाइन वर्क करता था, न्यूक्लियर पावर प्लांट. ओके, अब बात करता हूँ नेक्स्ट नेक्स्ट बात करता हूँ हम लोग क्या बात कर रहे हैं. ठीक है, कैंडू ओके, हम लोग बात करते हैं. तो नेक्स्ट बात करते हैं कैंडू रिएक्टर की. ठीक है, कनाडा ड्यूटेरियम यूरेनियम रिएक्टर.
तो इसमें देखते हैं कैंडू रिएक्टर में देखते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखो कैंडू रिएक्टर में देखते हैं बेटा कि इस रिएक्टर में क्या क्या प्रोसेसिंग होती थी हमारी। तो पहली बात करते हैं कैंडू की, तो उसमें बेटा क्या होता था आपका, नेचुरल यूरेनियम यूज करते हम लोग। क्या करते हैं, नेचुरल यूरेनियम यूज करते थे। तो कैंडू में, अगर मैं सिर्फ कैंडू की बात कर रहा हूँ, कैंडू की बात कर रहा हूँ, तो नेचुरल यूरेनियम यूज करते हैं। तो कौन सा यूज करते हैं हम लोग, ठीक है, नेचुरल यूरेनियम विथ हैवी वाटर, विथ हैवी वाटर, हैवी वाटर, हैवी वाटर के साथ क्या करते हैं हम लोग, नेचुरल यूरेनियम यूज करते हैं कैंडू में, ठीक है। जो हैवी वाटर होता है, जो हैवी वाटर होता है, ये कूलेंट की तरह क्या करता है, कूलेंट की तरह और मॉडरेटर की तरह दोनों काम करता है, कूलेंट और मॉडरेटर की तरह दोनों काम करता है। कूलेंट और मॉडरेटर दोनों तरह काम करता है। इसके टू फंक्शन होते हैं हैवी वाटर के, कूलेंट और मॉडरेटर की तरह काम करता है, ठीक है। एक बात इसमें यही, इसमें नो नो कंट्रोल वार्ड रॉड, ठीक है, नो कंट्रोल रॉड यूज करते हैं उसमें, कंट्रोल रॉड यूज नहीं करते हैं किसमें, कैंडू में। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कैंडू में, ठीक है। तो इंडिया की बात करूंगा भाई, इंडिया की बात करता हूं, तो इंडिया में कहाँ कहाँ है, ठीक है। तो इंडिया में है आपके, ठीक है, कल्पक्कम में, कल्पक्कम में, कल्पक्कम एंड क्या है आपका, राणा प्रताप, ठीक है, राणा प्रताप, राणा प्रताप, ये है आपका राजस्थान में, और ये है आपका कल्पक्कम आपका है मद्रास में, ठीक है। तो कैंडू बेस आपका दो इंडिया में आपका पावर प्लांट मिलेंगे, ठीक है, कितने मिलेंगे, दो मिलेंगे, कल्पक्कम और, ठीक है, राजस्थान में, राजस्थान में राणा प्रताप सागर अब क्या है आपका पावर प्लांट है। ओके, हैवी वाटर आपका क्या कर रहे हैं हम लोग, कूलेंट और मॉडरेटर दोनों यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसमें नेचुरल यूरेनियम लेते हैं, यूरेनियम बेसिकली क्या होता है आपका, यूरेनियम 0.7%, 0.7% यूरेनियम 235, ओके, ये नेचुरल यूरेनियम है आपका। आपका बात इसमें करते हैं हम लोग, ठीक है, गुड गुड न्यूट्रॉल, न्यूट्रॉन, गुड न्यूट्रॉन, इकोनॉमी, ठीक है। इसके फैक्ट हैं जो मैंने लिखवा रहा हूं बेटा, इसमें एनरिच फ्यूल यूज नहीं करते हैं, एनरिच, एनरिच फ्यूल नॉट यूज, ठीक है, नॉट यूज, इसमें एनरिच फ्यूल यूज नहीं करते हैं। कैसे करते हैं, सिर्फ नेचुरल फ्यूल करते हैं, नेचुरल फ्यूल, ओके। इसकी दिक्कत ये है बेटा ना कि इसकी बात है, ठीक है, इसकी बात करता हूँ, मोर लीकेज हो सकता है, इसमें क्या होता है, मोर लीकेज की बार प्रॉब्लम आती है, तो मोर लीकेज की प्रॉब्लम आती है इसमें, ठीक है। ये सब आपके क्या है, फंक्शन है, ओके, कैंडू के। तो कैंडू की अगर मैं कैंडू की बात करता हूँ, यहाँ पर इस फिगर से देखो आप, तो कैंडू टर्बाइन क्या था आपका, कैंडू रिएक्टर क्या था आपका, कैंडू रिएक्टर था आपका, ठीक है। इसमें हैवी वाटर मॉडरेटर की तरह यूज करते हैं और कूलेंट की तरह दोनों यूज करते हैं, ठीक है, और हैवी वाटर है जो कूलेंट की तरह यहाँ यूज करते हैं, आपको पता होगा इस फिगर से मैं बता रहा हूँ। फिर ठीक है, आपका आपका यूरेनियम क्या था आपका, एनरिच यूरेनियम यूज नहीं करते हम लोग, नेचुरल यूरेनियम यूज करते हैं, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, ठीक है, सेम प्रोसेस वही है, हीट करते हैं, हीट करने के बाद यहाँ पर स्टीम जनरेटर पर हीट लाते हैं, इसके बाद एक्सपेंड कराते हैं, ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं। तो आपका सेम, आपको क्या करना है, दो चीज़ें याद करनी पड़ेगी, ठीक है, हैवी वाटर एज ए मॉडरेटर, हैवी वाटर क्या हो गया, एज ए कूलेंट की तरफ काम करता है। ओके बच्चों, तो ये रही आपकी कैंडू, ओके। अब आते हैं गैस कूल, किस पे आते हैं, गैस कूल। तो गैस कूल में अगर मैं फिगर से देखूं, क्लियर फिगर तो नहीं है पर आप समझ लो फिगर से, ठीक है, ये रिएक्टर है, यहां से हम लोग क्या करते हैं, गैसेस प्रोवाइड करते हैं, क्या करते हैं, गैसेस प्रोवाइड करते हैं, और इस गैसेस को, इसमें प्राइमरी लूप है, क्या आपका प्राइमरी लूप है,
यह है प्राइमरी लूप और यह सेकेंडरी लूप, ठीक है। प्राइमरी लूप और सेकेंडरी लूप दोनों हैं। इसमें क्या करते हैं हम लोग, प्राइमरी लूप ये हो गया, सेकेंडरी लूप ये हो गया। इसमें से गैसेस क्या करते हैं हम लोग, हाई हीट गैसेस जो होती है, हाई एनर्जी की आती है, इसकी हाई एनर्जी गैसेस होती है, ठीक है। इस रिएक्टर से मैंने गैसेस प्रोवाइड किया इस हीट एक्सचेंजर में, क्या था, हीट एक्सचेंजर की बात कर रहा हूँ, हीट एक्सचेंजर में, ठीक है। विदाउट मिक्सिंग, विदाउट मिक्सिंग, ठीक है। जैसे प्रेशराइज वाटर रिएक्टर में था, जैसे सेम वैसे ही है आपका। यहाँ से ये क्या आ गई हमारे पास, ये स्टीम प्रोवाइड हो रही है। यहाँ से पंप से मैंने स्टीम कहाँ रिएक्टर में वापस भेज दिया। अब हीट एक्सचेंजर क्या करता है, यहाँ से ज्यादा हीट क्या करेगा, यहाँ पे और भी जो होंगे स्टीम, उसको वाटर होंगे, स्टीम होंगे, उसको क्या करेंगे, स्टीम में कन्वर्ट कर देंगे। स्टीम में कन्वर्ट करने के बाद हाई सेचुरेटेड यानी कि हाईली सुपर हीटेड स्टीम, ठीक है, सुपर हीटेड स्टीम की बात कर रहा हूँ, ये टर्बाइन पे एक्सपेंड करेगी। टर्बाइन से क्या था, जनरेटर कनेक्ट है, फिर उसके बाद क्या करेगा, कंडेंसर है ये, ठीक है, ये कंडेंसर है, इधर है आपका क्या है, ठीक है, ये है आपका कूलिंग टावर। यहाँ से क्या करेगा बेटा, ठीक है, गैस आपका क्या होगा, ये प्रोसेस चलती जाएगी। इसे बोलते हैं गैस कूल टरबाइन, क्या बोलते हैं हम लोग, गैस कूल टरबाइन। इसे बोलते हैं हम लोग गैस, गैस कूल्ड न्यूक्लियर, न्यूक्लियर रिएक्टर, ओके। तो ये होगी बेटा आपकी तो गैस कूल में, ठीक है। गैस कूल के कुछ प्रॉपर्टी हैं, देख लेते हैं गैस कूल का प्रॉपर्टी बेटा क्या है। गैस कूल की प्रॉपर्टी हम देखते हैं, जो कूलेंट यूज करते हैं, इसमें हम लोग जो कूलेंट यूज करते हैं बेटा, कूलेंट यूज करते हैं, तो कूलेंट क्या ऐसा यूज करते हैं, कूलेंट यूज करते हैं हम लोग, ठीक है, एयर के फॉर्म में। किसके यूज करते हैं, एयर के फॉर्म में, ठीक है। ये और हाइड्रोजन की भी हो सकता है और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों हो सकता है, ठीक है। जनरली यूज करते हैं हम लोग, जनरली कौन सा यूज करते हैं बेटा, जनरली क्यों यूज करते हैं, अगर जनरली यूज की बात करूंगा, मोस्ट इकोनॉमिक के लिए हम करेंगे, क्या करेंगे, H2O CO2, यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों यूज करेंगे। किसके लिए आपका, कूलेंट, ठीक है, कूलेंट, ओके। इसमें देखो मॉडरेटर पूछा जाता है बेटा, मॉडरेटर क्या यूज करते हैं, मॉडरेटर क्या यूज करते हैं, मॉडरेटर जो यूज होता है वो होता है बेसिकली किसका यूज होता है, वो हाईलाइट पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, होता है ग्रेफाइट का, ठीक है, ग्रेफाइट का यूज करते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गैस कूल में मॉडरेटर किस मटेरियल का यूज होता है, बोलोगे क्या, बोलोगे ग्रेफाइट का, ओके। कूलेंट कौन कौन सा होता है, एयर, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बेटा क्या होता है, मैक्सिमम यूज होता है, ओके। ये बता रहा है मच सेफ रिएक्टर, ठीक है, मच सेफर रिएक्टर होता है, मच सेफ रिएक्टर, ओके। तो बहुत ही क्या होता है, सेफ रिएक्टर होता है ये, कौन सा, गैस कूल टरबाइन, ओके, गैस कूल रिएक्टर। सो गैस कूल रिएक्टर बहुत ही क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, उसके टाइप की बात करूंगा, टाइप की बात करता हूं, तो टाइप की बात करूंगा, इसमें भी टाइप होते हैं बेटा, टाइप आपको बस नाम याद रखो अभी, ठीक है। एडवांस गैस कूल, ठीक है, एक होता है एडवांस गैस कूल और दूसरा होता है आपका हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर गैस कूल, ओके। तो ये आपके क्या होंगे, क्या होंगे हमारे पास, ये होंगे हमारे पास, ठीक है। अब बात करेंगे नेक्स्ट टरबाइन की, नेक्स्ट टरबाइन की ब्रीडर रिएक्टर की, ठीक है, ब्रीडर रिएक्टर की बात करूंगा। तो अब आते हैं हम लोग ब्रीडर रिएक्टर में, तो ब्रीडर रिएक्टर में क्या होता है बेटा, ब्रीडर रिएक्टर के बेसिकली क्या होता है, ये फास्ट वर्क करता है, क्या करता है, इसकी जो बिजली भी होती है, हीट जनरेशन बहुत ही फास्ट होते हैं, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, और सब जितने भी रिएक्टर थे उसको, इसमें हीट जनरेशन बहुत ही फास्ट होता है, इसे बोलते हैं ब्रीडर रिएक्टर। इसमें देखो क्या होता है, तो इसमें क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं हम लोग, जो इसका मास जो प्रोड्यूस करते हैं हम लोग, आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं, इसमें मैक्सिमम, मैक्सिमम क्या करते हैं हम लोग, ठीक है, मैक्सिमम आप फिजाइल मटेरियल क्या करते हैं यूज करते हैं, यानी हमको मिलता है, ठीक है। देन मास क्या होता है, मास बर्न,
और फिर अगर मैं बात करूं गैस किसकी, ब्रिडर रिएक्टर की, तो ब्रीडर रिएक्टर की बात करता हूँ मैं, ब्रीडर रिएक्टर की। तो इसका मतलब होता है कि हमारे पास लेस कंजप्शन, यानी कि यहाँ पे देखोगे मास वगैरह क्या कर रहे हैं, कंजप्शन बहुत ही कम है हमारे पास। कंजप्शन क्या हमारे पास, ठीक है, और यहाँ पे मोर मास, ठीक है, मोर मास प्रोड्यूस हो रहा है, मोर मास प्रोड्यूस हो रहा है। जैसे मैं एक रिएक्शन देखता हूँ, इससे आपको समझ में आ जाएगा बेटा। अगर मैं बात करूँगा 92 रेनियम 235 की, ओके, ये होगा 0N1 इक्वल टू, ये हो जाएगा 57 Li-147 लिथियम इंटू, ये हो जाएगा 35 Br-87, ओके, इंटू इंटू 2 टाइम्स 0N1 प्लस Q, ओके। तो ये हो जाएगा हमारे पास रिएक्शन, ठीक है। बीडर रिएक्शन की बात, बीडर रिएक्टर की बात कर रहा हूँ। इसमें क्या होगा, एक रिएक्शन हो जाएगा जिसमें देखोगे हमारा सिर्फ एक ही कंजप्शन हो रहा है यहाँ पर, वन कंजप्शन हो रही है, किसके फ्यूल ले रहा हूँ, वन कंजप्शन ही हो तो क्या प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, मोर कंजप्शन। और क्या मिल रहा है हमको, मोर प्रोडक्ट मिल रहा है, मोर प्रोडक्ट, और ये हो रहा है हीट, ठीक है। तो ये इसमें क्या करते हैं, ये फास्ट रिएक्टर है, इसे बोलते हैं फास्ट रिएक्टर, क्यों, हीट जनरेशन बहुत ही फास्ट होता है, ओके, ब्रीडर रिएक्शन में, ओके। बेटा इसको क्या बोलते हैं हम लोग, विदाउट मॉडरेटर, इसको यूज करते हैं हम लोग विदाउट मॉडरेटर, विदाउट मॉडरेटर, ये होता है विदाउट मॉडरेटर, ठीक है। पावर प्लांट में हम बोलेंगे विदाउट मॉडरेटर, तो यह ब्रीडर रिएक्टर होगा, ओके। अब आते हैं लिक्विड मेटल, लिक्विड मेटल फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, इसका भी एक टाइप है लिक्विड मेटल, जिसका फिगर मैंने क्या अभी दिखाया था, फिगर लिक्विड मेटल, ठीक है। ये रहा आपका लिक्विड मेटल, यानी कि सोडियम कूल्ड लिक्विड मेटल रिएक्टर, ओके। ये भी क्या है, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है। इसमें क्या होता है आपका, इसमें क्या होता है, इसमें भी मॉडरेटर यूज नहीं करते हैं, इसमें क्या भी मॉडरेटर यूज नहीं करेंगे, ठीक है। इसमें देखो, इसमें क्या देखो, आपका सेम कंट्रोल है, यहाँ पे फ्यूल रखा पड़ा है, कोर पे फ्यूल है, ठीक है। इसके बाद देखो, ये प्राइमरी सोडियम है, ये प्राइमरी सोडियम सोल्यूशन है, ओके। अब क्या कर रहा है, ये हीट हो रहा है, सोडियम सोल्यूशन हमारा हीट हो रहा है, सोडियम सोल्यूशन हीट हो रहा है, कहाँ जा रहा है आपका, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हीट एक्सचेंजर लगा हुआ है, यहाँ पे हीट एक्सचेंजर लगा रहा है। अब देखो इसमें जो देखोगे, इसमें भी क्या कर रहा है, इस पाइप में भी सेकेंडरी सोल्यूशन क्या है, सेकेंडरी, ठीक है, क्या है, सेकेंडरी सोडियम सोल्यूशन है, जो बहुत ही हीट हो रही है, किससे, इससे एनर्जी लेकर, यार इससे एनर्जी ले रही है, तो ये हीट होगी, ये हीट होने के बाद कहाँ पे जा रही है हमारी, ठीक है, इस सेकेंडरी वाले पर सोडियम में, सेकेंडरी सोडियम में, ओके, सेकेंडरी सोडियम में। अब देखो इसमें क्या है, वाटर है, इसमें वाटर फिल है। अब क्या करेगा, हाई टेम्परेचर अगर किसी कॉन्टेक्ट में आएगा वाटर में, तो यहाँ पे एक स्टीम जनरेशन होगा, जब स्टीम जनरेशन होगा तो यहाँ टर्बाइन भी डालने हैं, ओके, फिन प्रोसेस वही है आपका। तो यहाँ पे देखो इसमें एक प्राइमरी, जो क्या था, प्राइमरी प्राइमरी सोडियम सोल्यूशन और एक सेकेंडरी सोडियम सोल्यूशन लेते हैं। प्राइमरी डायरेक्टली अब कहाँ से मिल रहा है, कोर से मिल रहा है। सेकेंडरी क्या कर रहा है, सेकेंडरी सोल्यूशन में एक पाइप के थ्रू क्या सर्कुलेट करा रहा है, ठीक है। यही सेकेंडरी सोल्यूशन क्या करता है, किसे कॉन्टेक्ट में, मतलब वाटर में हमारी क्या प्रोवाइड कर रही है बेटा, स्टीम जनरेट कर रही है। इसे बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, लिक्विड मेटल फास्टर ब्रीडर रिएक्टर, ओके। तो इसके बारे में कुछ समझ लेते हैं बेटा, इसके बारे में कुछ समझ लेते हैं। तो लिक्विड मेटल, यानी कि लिक्विड मेटल, लिक्विड मेटल, लिक्विड मेटल फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, ओके, इसकी बात कर रहा हूं। तो इसमें क्या होता है, मॉडरेटर हम लोग यूज नहीं करते हैं, क्या यूज नहीं करते हैं, मॉडरेटर की बात करूंगा, तो इसमें मॉडरेटर यूज नहीं होता है, ठीक है, नॉट यूज, नॉट यूज, ओके। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ठीक है, इस लिक्विड का, इस लिक्विड मेटल रिएक्टर का ऑब्जेक्टिव क्या है बेटा,
तो ऑब्जेक्टिव देखोगे आप, ठीक है, क्या है आपका मेंटेन चैन रिएक्शन, क्या करना है मेंटेन करना है, मेंटेन चैन रिएक्शन, मेंटेन चैन रिएक्शन, चैन रिएक्शन, ठीक है, रिएक्शन को आर एक्शन से मैं डिनोट कर रहा हूँ, तो हो जाएगा चैन रिएक्शन विथ फास्ट न्यूट्रॉन, विथ विथ फास्ट न्यूट्रॉन, ठीक है, क्या हो जाएगा विथ फास्ट न्यूट्रॉन, तो ये बेसिकली क्या हो गया हमारा, ठीक है, रिएक्शन को क्या कर रहा है, फास्ट रिएक्शन दे रहा है हमारे, ठीक है, फास्ट रिएक्शन दे रहा है, तो इसका मतलब ये है मॉडरेटर यूज नहीं करते हैं इसमें। इसमें देखो यूरेनियम की बात करूंगा, यूरेनियम की बात करता हूं, तो यूरेनियम, अगर यूरेनियम की बात करता हूं तो ये हो जाएगा आपका 238, यूरेनियम 238 कन्वर्ट हो जाएगा आपका, यूरेनियम 238 कन्वर्ट हो रहा है आपका, ठीक है, 94 प्लूटोनियम 239 में, इसका मतलब यूरेनियम से प्लूटोनियम बन रहा है, इसमें कन्वर्ट हो रहा है हमारा, किसमें कन्वर्ट हो रहा है आपका, लिक्विड मेटल फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में, लिक्विड मेटल, ठीक है, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में यूरेनियम से प्लूटोनियम की तरफ कन्वर्ट हो रहा है, ओके। अगर मैं बोलूं बेस्ट कूलेंट क्या होगा, बेस्ट कूलेंट की बात करूंगा, तो कूलेंट की बात करता हूं, बेस्ट कूलेंट की, तो यहां पे हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, सोडियम, क्या हो जाएगा बेटा, सोडियम, इसमें बताया था प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों ले जाता, प्राइमरी सेकेंडरी में सोडियम यूज करते थे, यहां पे क्या हो जाएगा सोडियम, ओके, तो ये चीजें हमें पता होना चाहिए। इसमें पंप यूज करते हैं हम लोग, किसमें यूज करते हैं, पंप यूज करते हैं, तो पंप कैसे यूज करते हैं, आपसे क्वेश्चन कभी एक बार पूछा गया है पंप यूज करते हैं, तो यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ओके, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पंप यूज करते हैं हम लोग, ओके, तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन रही, किससे हमारी इंफॉर्मेशन रही, ठीक है, लिक्विड मेटल से। चलो एक कुछ इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन है उसे भी देख लेते हैं, ठीक है, तो शील्डिंग करते हम लोग क्या करते हैं, शील्डिंग करते हैं, क्या करते हैं, शील्डिंग करते हैं, तो शील्डिंग क्यों करते हैं, ठीक है, शील्डिंग क्यों करते हैं, तो शील्डिंग करते हैं तो क्यों करते हैं हम शील्डिंग, देखो शील्डिंग की बात करूंगा, तो न्यूक्लियर रिएक्टर में शील्डिंग करते हैं, तो शील्डिंग की बात करूंगा बेटा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, शील्डिंग बेसिकली क्या होता है, डन फॉर, ठीक है, डन किस लिए करते हैं, तो बेटा किस लिए करते हैं हम लोग, ठीक है, प्रोटेक्ट अगेंस्ट, प्रोटेक्ट अगेंस्ट, प्रोटेक्ट अगेंस्ट न्यूट्रॉन एंड गामा, गामा रेज, ओके, तो न्यूट्रॉन और गामा रेज को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, आप इसे याद रखिएगा, ठीक है, इसे आप याद रखिएगा, हमेशा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, तो कौन कौन से न्यूट्रॉन एंड गामा रेज को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, इसे बोलते हैं शील्डिंग, क्या बोलते हैं हम लोग, शील्डिंग, यहां मैं स्टार्ट दे रहा हूं, ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, क्वेश्चन कभी पूछा गया है, न्यूट्रॉन जो होता है आपका, ठीक है, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की बात करता हूँ, न्यूट्रॉन बिकम क्रिटिकल, तो क्रिटिकल कब होता है, तो क्रिटिकल कब होता है आपका, न्यूट्रॉन बिकम क्रिटिकल, ठीक है, तो बात करते हैं यहां पर, ठीक है, इन चैन रिएक्शन स्प्लिटिंग ऑफ फ्यूल, स्प्लिटिंग मतलब बढ़ जाना, टूट जाना, ठीक है, स्प्लिटिंग ऑफ फ्यूल न्यूक्लियाई हैज बिकम इस्टेब्लिश, ठीक है, तो स्प्लिटिंग वगैरह क्या होता है, रुक जाता है, इस्टेब्लिश हो जाता है, उसे बोलते हैं, ठीक है, क्रिटिकल, वो क्रिटिकल स्टेट में हो जाता है, कब, जब न्यूट्रॉन की स्प्लिटिंग क्या होती है, इस्टेब्लिश हो जाती है, इसका मतलब ये हो गया क्रिटिकल कंडीशन में चला गया, ओके,
न्यूट्रॉन, इसका मतलब कह लो कभी कभी कह सकते हैं न्यूट्रॉन पॉपुलेशन, यार आर कह सकते हो न्यूट्रॉन पॉपुलेशन, न्यूट्रॉन पॉपुलेशन पॉपुलेशन इन कोर, इन कोर कांस्टेंट, ठीक है, यानी कि जो न्यूट्रॉन की स्प्लिटिंग या कांस्टेंट या पॉपुलेशन क्या हो जाएगी वहां पर कांस्टेंट हो जाएगी, उसे बोल देंगे न्यूट्रॉन, ठीक है, क्रिटिकल, बिकम क्रिटिकल। तो आप ये चीजें मैं कह रहा हूँ ना याद रखनी पड़ेंगी। ओके अब बात करते हैं कुछ कंपेयर जो फैक्ट हैं हमारे पास उसको डिस्कस कर देते हैं, इसके बाद आपका न्यूक्लियर रिएक्टर खत्म हो जाएगा आपका। ओके तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया, तो अगर मैं बोलूं सपोज प्लूटोनियम 239 और थोरियम 232, ठीक है, प्लूटोनियम ये क्या आपका फिजाइल मटेरियल है, क्या आपका फिजाइल मटेरियल है, फिजाइल मटेरियल है, और थोरियम आपका क्या आपका फर्टाइल मटेरियल है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, इसको आप याद रखेंगे, प्लूटोनियम फिजाइल मटेरियल है और थोरियम आपका क्या है फर्टाइल मटेरियल है। ओके तो ये चीजें हो गई। अब बात करते हैं कुछ फ्यूल्स हैं उसके क्या होते हैं, कंपेयरिंग किया गया डिफरेंट टाइप का फ्यूल जो हमारे किसमें यूज करते हैं रिएक्टर में, तो हाफ लाइफ के अकॉर्डिंग मैं कर रहा हूँ, तो मैं एक बोलूँगा इंक्रीजिंग 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 न्यूक्लियर फ्यूल, न्यूक्लियर लिख लो, न्यूक्लियर फ्यूल, न्यूक्लियर फ्यूल हाफ लाइफ, ठीक है, हाफ लाइफ के कारण कौन सा होता है, ठीक है, तो सबसे कम बेटा आपका होता है प्लूटोनियम का। ओके उसके बाद हाफ लाइफ ज्यादा होती है यूरेनियम 233 का, उसके बाद यूज होती है यूरेनियम 235 का, उसके बाद थोरियम सबसे ज्यादा होता है, थोरियम थोरियम 235 का, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हाफ लाइफ की बात कर रहा हूँ, तो हाफ लाइफ की बात कर रहा हूँ, तो फ्यूल का एक ऑर्डर पूछ सकता है आपको किसमें ज़्यादा होगा किसमें कम होगा, तो आप कर लेंगे, ठीक है, क्या कर लेंगे 232, ठीक है, हाँ 232, ओके 232, तो ये हो गई आपकी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, ठीक है, फ्यूल है एक करस्पॉन्डिंग हाफ लाइफ के, प्लूटोनियम बेटा सबसे कम होगा, फिर यूरेनियम 233 होगा, फिर यूरेनियम 235 होगा, फिर थोरियम के साथ 232 होगा। ओके तो ये चीजें हो गई। अगर फास्ट बिल्डर रिएक्टर की बात करता हूँ, किसकी फास्ट बिल्डर क्या रिएक्टर की बात करता हूँ, तो फास्ट बिल्डर रिएक्टर में जो फ्यूल यूज होते थे हमारे, फ्यूल यूज होते हैं कौन से यूज होते थे किसमें होते थे फास्ट बिल्डर रिएक्टर, देखो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में, ठीक है, इसमें जो फ्यूल यूज करते थे हम लोग, जो फ्यूल यूज करते थे ये होती थी हमारी 90% 90% यूरेनियम 235, ओके 90% यूरेनियम 235, ठीक है, आप डायरेक्टली क्या करेंगे याद रखेंगे। ओके एक क्वेश्चन बेटा आपसे आता है, ठीक है, रिस्क ऑफ रेडियो एक्टिव, ठीक है, रिस्क ऑफ रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव हजार्ड, हजार्ड, ठीक है, ग्रेटेस्ट इन रिएक्टर, विच रिएक्टर, इन विच रिएक्टर, तो आप क्या कहोगे, आप क्या कहोगे, तो बेटा ये जो होगा रिएक्टर कौन सा रिएक्टर में होता है आपका, ठीक है, बॉइलिंग वाटर रिएक्टर, ठीक है, BWR में सबसे ज़्यादा आपका रिस्क ऑफ रेडियो एक्टिव हजार्डस, ठीक है, जनरेट करता है आपका BWR में, तो ये सब फैक्ट थे आपके जितने भी थे, ठीक है, डिफरेंट टाइप के आपके जितने रिएक्टर थे न्यूक्लियर रिएक्टर,
उसके अलग अलग क्या थे उसकी चीज़ों को लेकर। ओके तो यहाँ से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन बने हुए हैं तो उस क्वेश्चन को क्या करेंगे हम लोग, क्वेश्चन बने हैं तो उसको यूज करेंगे। ओके आपसे कुछ पूछ लिया जाता है ब्रीडिंग रेशियो, ठीक है, क्या पूछ लिया जाता है ब्रीडिंग रेशियो। तो ब्रीडिंग रेशियो क्या होता, क्या होता है आपका, तो आपसे ब्रीडिंग रेशियो पूछ लिया जाता है, ब्रीडिंग रेशियो, ब्रीडिंग रेशियो जिसे डिनोट करते हैं हम लोग, ठीक है, कैपिटल सी से, कैपिटल सी से, सी की वैल्यू लेस देन वन, सी की वैल्यू हमेशा ग्रेटर इक्वल टू वन, सी की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन वन, तीन होते हैं, ठीक है, या ब्रीडिंग रेशियो वैल्यू वन से छोटा होगा, वन से बड़ा होगा, वन होगा, तो इसके लिए क्या करते हैं, ये होता है बेटा कन्वर्टर। ओके ये होता है प्रोड्यूस, प्रोड्यूस मच न्यूक्लियाई एज इट कंज्यूम, एज इट कंज्यूम, ठीक है, वो ज्यादा क्या जितना कंज्यूम नहीं करेगा उससे ज्यादा प्रोड्यूस कर देगा। उसके बाद इट प्रोड्यूस, इट ब्रीड, इट ब्रीड मोर न्यूक्लियाई, मोर न्यूक्लियाई, ओके देन इट्स कंज्यूम, देन इट कंज्यूम, यही होता है आपका ब्रीडर, ठीक है, इट ब्रीड मोर न्यूक्लियाई देन द कंज्यूम। ओके तो ये हो जाएगा ब्रीडर। तो आपसे ब्रीडिंग रेशियो वगैरह पूछ लिया जाता है। ओके तो ये सब चीज़ें आपको क्या होना, पता होना चाहिए। इसके बाद कुछ प्राइमरी फ्यूल और सेकेंडरी फ्यूल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, जो क्वेश्चन कहीं से बन सकते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी फ्यूल की बात करूँगा, ठीक है, प्राइमरी फ्यूल, प्राइमरी फ्यूल, ठीक है, प्राइमरी फ्यूल की बात करूँगा, तो ये हो जाएगा आपका यूरेनियम 235। और सेकेंडरी फ्यूल की बात करूँगा, सेकेंडरी फ्यूल, सेकेंडरी फ्यूल की बात करता हूँ बेटा, ठीक है, तो ये हो जाता है प्लूटोनियम, प्लूटोनियम, यूरेनियम 233 एंड प्लूटोनियम 239। ओके तो ये रही हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू, ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर। ओके तो न्यूक्लियर रिएक्टर आपका क्या होता है, यहीं पर समाप्त होता है, ठीक है, कुछ डाउट वगैरह भी होगा तो आप क्या करोगे, ठीक है, कमेंट करिएगा। ओके थैंक यू सो मच, ठीक है, यहीं पे आपका न्यूक्लियर रिएक्टर खत्म होता है। ओके थैंक यू।